गुड मॉर्निंग क्लास, मैं आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न और एग्ज़ाम जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये पिछली क्लास में मैंने आपको सिंबल्स के बारे में पढ़ाया था, जो मेरे ITI चैनल फिटर नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसमें से ज़रूर एक न एक क्वेश्चन ज़रूर इनमें से बनता है। पहला क्वेश्चन है कि BSI प्रणाली में टॉलरेंस के कितने ग्रेड होते हैं। 16 ग्रेड होते हैं इसके, और एक BSI में फंडामेंटल डेविएशन कितने होते हैं, 21, और ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं 16, और BIS में फंडामेंटल डेविएशन 25 और ग्रेड ऑफ टॉलरेंस 18, और ISO में होते हैं 28 और ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं 18। BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये इसकी डेफिनेशन होती है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एक थ्रेड प्लग गेज का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। एक थ्रेड प्लग गेज का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, यानी जो थ्रेड प्लग गेज है उसका उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है हमारा थ्रेड के रूप और आयामी सटीकता मापता है। थ्रेड का रूप मापता है, उसकी आयामी सटीकता को वह मापता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आम तौर पर पुली की बाहरी सतह थोड़े उत्तलता के साथ परिष्कृत की जाती है, जिसे डैश कहा जाता है। यानी कि जो हमारी पुली होती है, जो पुली की जो सतह होती है, मैंने ये बना रखी है एक पुली, इस तरीके से पुली बना सकती है, जो इसकी जो ऊपरी सतह होती है, जो उभरी हुई सतह होती है, ये थोड़ी उत्तलता में क्यों बनाई जाती है, जिससे वह फिसले नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, पुली की क्राउनिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंटर सिंक ड्रिल का कौन सा कोण थ्रेड किए जाने वाले छेद्रों के सिरों को तिरछा चैम्फर करने के लिए चुना जाता है। जो काउंटर सिंक ड्रिल है, वो कौन सा कोण थ्रेड किए जाने से पहले, जो थ्रेड करते हैं हम किसी छिद्र में, उसे पहले चैम्फर करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज किया जाता है 120 डिग्री वाला। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, किसी धातु के किनारे से किसी भी कीलक को केंद्र तक न्यूनतम दूरी क्या है। मतलब किसी धातु के किनारे से किसी भी कीलक रिवेट के केंद्र तक की न्यूनतम दूरी क्या होती है, उसकी जो दूरी होती है वो उसके दो गुने के बराबर होती है। अब ये एक मैंने एक शीट बना रखी है, उसमें मैंने ये सेंटर लाइन दिखाई है और ये रिवेट लगाए हैं। ठीक, अब यहाँ से इस ये है, मान लीजिए किनारे से एक रिवेट के दो बीच की जो दूरी है, ये दूरी होती है 2D, और फिर पहले रिवेट से दूसरे रिवेट की जो दूरी आती है, ये आती है 3D, उसको बोलते हैं हम 3D, और एक किनारे से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी को 3D मार्जिन 3D कहते हैं, और इसका जो अधिकतम दूरी जो होगी वो होगी 10D। ठीक, और ये जो आएगी पहले रिवेट से दूसरे रिवेट की दूरी 3D, और इसकी जो अधिकतम दूरी आएगी वो आ जाएगी हमारी 24D आ जाएगी। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किससे बनाए गए उपकरण
पर ऋणात्मक रैक कोण दिया जाता है। किससे बनाए, यानी कि टंगस्टन कार्बाइड से जो हम उपकरण बनाते हैं उस पर हमारा ऋणात्मक रैक एंगल दिया जाता है। जो रैक एंगल जो होता है चिप्स के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए रैक एंगल का यूज किया जाता है। अगर कोई धातु के चिप्स घुंघरालू टाइप से निकल रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव रैक एंगल है। अगर किसी धातु के चिप्स यदि बिखरे बिखरे से निकलते हैं ऐसे तो उसमें ऋणात्मक रैक एंगल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए 6 क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेकर के आया। ये वो क्वेश्चन है जो आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे, ये एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।